मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्मार्ट सिटी दुबई के पदाधिकारी अब्दुल लतीफ और बेजल जॉर्ज ने मुलाकात की। और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर जोनल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राय खबरें देखें विस्तार से। भारत को विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन नेशनल मिल्क डे के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा प्रदेश में नेशनल मिल्क डे को मनाने की तैयारी की जा रही है। फेडरेशन ने नागरिकों, उपभोक्ताओं, दुग्ध उत्पादक सदस्यों ने नेशनल मिल्क डे मनाने की अपील की है। इस दिन प्रदेश की लगभग 6000 दुग्ध समितियों में दुग्ध उत्पादक कृषकों की सभा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कमीशनिंग के दौरान खराब ईवीएम को बदलने और रिजर्व ईवीएम के लिए जिले में उपलब्ध स्टॉक में से ईवीएम का उपयोग करने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर को जरूरत के अनुसार ईवीएम का आवंटन पारदर्शी और रैंडम तरीके से राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम के आईडी नंबर की जानकारी यथासमय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और अभ्यर्थियों को दी जाएगी। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के लिए राज्य निगरानी समिति का गठन किया है। समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी। जिले स्तर पर भी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। इस समिति की प्रतिमा बैठक होगी। श्रम पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक वर्ग सेवा पुरस्कार वर्ष 2013-14 के लिए गठित ज्यूरी की बैठक हुई। बैठक में ज्यूरी के सदस्य आरिफ बैग, डॉक्टर सनवर पटेल, अनवर मोहम्मद खान और सदस्य सचिव अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण सुरंजना ने भाग लिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर जोनल फुटबॉल प्रतियोगिता का टीटी नगर स्टेडियम में शुभारंभ किया। सिंधिया ने कहा कि खेल से जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। ऊर्जावान व्यक्ति सही दिशा में सफलता से अपने कार्य कर सकता है। सिंधिया ने मार्च पास की सलामी ली और सभी टीम से भेंट कर शुभकामनाएं दी। 28 नवंबर तक चलने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता में सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन की टीम भाग ले रही है। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।